नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में हुई अनियमितताओं को देखते हुए ही आज दिनांक 7 मई 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन को इन सभी अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किया है। दोस्तों, बहुत कम समय लेते हुए मैं पूरे मामले को समझा देता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्तियों में बहुत बड़े लेवल पर अनियमितताएँ की गई थी दोस्तों। उसके बाद से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की एकल खंडपीठ द्वारा इस भर्ती के लिए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए थे, जिस पर यह मामला शासन के द्वारा लखनऊ की डबल खंडपीठ में ले जाया गया, जहां से सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया गया था। फिर से कैंडिडेट्स के द्वारा इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, जिसके बाद से आज दिनांक 7 मई 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन को नोटिस जारी किया है इन सभी अनियमितताओं के संदर्भ में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।